साथियों स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। साथियों मैं विनय कुमार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। साथियों पनियावा का नाम आपने सुना होगा, पनियावा स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, पनियावा पुल का नाम आपने सुना होगा। और अगर आपने पनियावा का सबसे सुप्रसिद्ध मछली भूजा का नाम नहीं सुना है और खाया नहीं है तो फिर पूरा मज़ा ही किरकिरा है। साथियों जब भी कभी आप इधर आएँ पनियावा पुल को देखने, पनियावा स्टेशन को देखने, तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का जो डिश है, भोजन है कह लीजिए, या खाने नाश्ते में खाने के लिए जो चीज़ है वो है यहाँ का मछली भुजा। तो आइए साथियों आज मैं आप लोगों को पनियावा की तरफ लेकर के चलता हूँ और वहाँ का मछली भुजा जो सबसे स्वादिष्ट है आप लोगों को खिलाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा वहाँ का मछली भुजा वगैरह खिलाते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अंत तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो है कि हम लोग यहाँ पनियावा पुल के बगल में है और यहाँ पर जो है मछली की दुकान है। आप देख सकते हैं सुकई के नाम पर, ये सुकई मछली फ्राई के नाम पर यह दुकान है, आप पीछे देख सकते हैं सुकई मछली फ्राई। तो साथियों यहाँ पर ये मछली जो है विक्रय कर रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं और बड़ी मछलियाँ भी मिलती हैं। हालाँकि आज बड़ी मछलियाँ नहीं हैं इनके पास, तो जो छोटी मछलियां हैं वो 120 रुपए पाव के हिसाब से खिलाते हैं। अगर आप भी आना चाहें, खाना चाहें, तो यहां आकर के यहां के इस स्वादिष्ट मछली का आप भी आनंद उठा सकते हैं। तो आइए मैं पूरी प्रक्रिया दिखलाता हूं कि किस प्रकार यहां मछली बनाते हैं। मछली फ्राई जो है हो रहा है और यहाँ आपके बैठने के लिए जो है पूरी व्यवस्था है और ये इनका जो है कि ये मड़ई है, छप्पर है और यहाँ पीछे देख सकते हैं यहाँ बैठने की व्यवस्था है। और अगर आपको भूख लगा हो तो यहाँ दाल चावल सब्जी भी यहाँ पर जो है कि मिलता है, दाल चावल सब्जी भी यहाँ पर बेचने का काम करते हैं। साथियों कम्प्लीटली जो है मछली और भुजा तैयार है और यहाँ का ये चेपुआ नाम का ये मछली है और यहाँ का ये सबसे प्रसिद्ध मछली है। जब भी आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार की मछली खाने के लिए मिलेगी। हालांकि बड़ी मछली के चक्कर में हम लोग आए थे लेकिन ये चेपुआ ही मिला, तो देखते हैं चेपुआ का स्वाद कैसा है। तो इस प्रकार ये जो है कि फ्राई होकर के आ गई है और हमारे मित्र जी साहिल भाई भी बैठे हुए हैं और मछली की ही तरफ उनका ध्यान है कि कब जो है कि मुंह में जाए। और इधर सेठ जी हैं जो दुकानदार के मालिक हैं, यहाँ खाना वाना सब मिलता है। कभी भी भूखे अगर इधर से गुजरे तो ज़रूर यहाँ का भोजन का आनंद लें। अगर आप लोग को भी खाना हो तो यहाँ ज़रूर आ जाइए पनियावा स्टेशन पे। सुकई भैया मछली वाले, ये देखिए भाई साहब कहें सुकई भैया मछली वाले, इनका प्रचार हमने ऑलरेडी कर दिया, उधर लगा हुआ था। ये मछली है, खा रहे हैं, वाकई बढ़िया है। सेठ जी ने बताया कि इस मछली में कांटे नहीं होते हैं और सही है साथियों, इस मछली में कांटे नहीं हैं।
तो बिना कांटा वाला ये छेपुआ मछली है, वास्तव में बढ़िया मछली है ये। तो साथियों, आज का ये हमारा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आप इधर आए बिहार की साइड में, या फिर जो है पनियावा स्टेशन या फिर पनियावा पुल घूमने के लिए आएँ, तो हमारा जो ये इस मड़ई में जो अब मैंने आपको वीडियो दिखलाया जो चेपुआ मछली है, साथियों चेपुआ मछली में जो खासियत है वो ये है, चाहे उसकी मुंडी खाएँगे या फिर उसका पूरे शरीर को खाएँगे, उसमें कांटा होता ही नहीं है। ये भारत की पहली ऐसी मछली है जिसको मैंने खाने के बाद अनुमान और अनुभव किया कि पहली मछली ऐसी है जिसमें कांटा नहीं होता है, खाने के बाद वास्तव में मज़ा आ गया, मुंह में पानी भी आ रहा है दोबारा। तो साथियों, आपको अवसर जब भी मिले, अरे ससुरा तो हर 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 करते हुए जा रहा है, तो जब भी आपको अवसर मिले तो कम से कम आप जो है यहाँ का मछली भूजा का आनंद जरूर उठाएं, खासकर चेपुआ मछली का। तो साथियों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं पर ब्लॉग वीडियो में समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को नमस्ते, सलाम, आदाब।